नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और देखते हैं खबरें विस्तार से। वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने जबलपुर से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के पक्ष में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा की। उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे चुनाव में कोई लहर नहीं है, वो सब घुटने टेक चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ईमानदारों के लिए लड़ रहा हूं, बेईमानों के लिए नहीं। रिसन ग्राउंड सदर में आयोजित इस सभा में मोदी के साथ महाकौशल में 5 प्रत्याशी मौजूद रहे। जबलपुर से प्रत्याशी राकेश सिंह के अलावा मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, छिंदवाड़ा से नुथन शाह, शहडोल से हिमाद्री सिंह, बालाघाट प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन भी मंच पर मौजूद रहे। भाई बहनों, कांग्रेस को नोटबंदी पर इतना दर्द हुआ, अभी भी हो रहे, आंसू सूख नहीं रहे। भाई बहनों, देश को इसलिए जानना बहुत जरूरी है। मैं इसका उदाहरण आपको यही मध्य प्रदेश में देखने को मिला। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 15 वर्षों के बाद सरकार बनी, वो भी इधर उधर से मदद लेकर के। जनता ने तो उनको दी नहीं है, इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही थी, ये भूल जाओगे नहीं चलेगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विवेक तन्खा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल के रिपोर्ट कार्ड दिखाने में हिचकिचा रहे हैं। पीएम अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बजाय कांग्रेस कार्यकाल की खामियां ढूंढ रहे हैं। जबलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी दिशाहीन हुई है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। चर्चा होनी चाहिए चुनाव में, रोजगार की, उद्योग की, निवेश की, महंगाई कम करने की, नौजवानों को नौकरी दिलाने की, वो चर्चा से हटकर सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सीमित दायरा चर्चा का रह गया है। सिविक इश्यूज हों, चाहे कंटोनमेंट के हों, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हों, चाहे इस म्यूनिसिपैलिटी में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने 35 साल के कार्यकाल में, जितना संभव हो सकता है एक नॉन इलेक्टेड MP के लिए उतना किया। आज जनता यहाँ पर निर्णय करेगी कि जो इतने लंबे अरसे से यहाँ पर शासन करते आए हैं और जिन्होंने पिछले कई चुनाव जीते हैं भाजपा ने, आज बदलाव की लहर समूचे राजस्थान और पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में है। जबलपुर के कोटराइट पुलिस ने एक लड़की की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया है। कोटराइट पुलिस के मुताबिक लड़की ने उन्हें शिकायत की थी कि 1 महीने पहले उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई थी, जिसके बाद एक दिन उसने उस लड़की को घर ले जाकर नशे की दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उससे पैसे की मांग करने लगा, जिसके बाद लड़की ने पुलिस को शिकायत कर और उसके बाद आज लड़के को ट्रेस कर पकड़ा गया। 1 महीने तक वो एज अ फ्रेंड घूमते फिरते रहे और अचानक से फिर लड़के ने जबरदस्ती करके उसे अपने रूम में ले गया, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया और शायद उसने कुछ नशे में नशे की दवा हुआ मिला दिया होगा, तो लड़की बेहोश हो गई। जब लड़की उठी तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में जलन देने लगी, तो फिर तो लड़के ने बताया कि उसने उसका वीडियो बना लिया है और उसे ब्लैकमेल कर उसके पैसों की मांग करने लगा। लड़की ने उसको 10,000 पहले दिया, ऐसा करके बारी बारी से पैसे देती गई, ब्लैकमेल होती रही, सोने का हार भी दे दिया उसने। और फिर लड़के ने ऐसा कर करते पैसे की मांग करने लगा, तो लड़की के परिचितों को भी उसने उसके ऑफ सिंक कंटेंट जो थे वो शेयर करने लगा था। तो लड़की अपने आप को बहुत इंसल्टेड फील कर रही थी, तो उसने परेशान होकर फिर कोर्डरेट को जानकारी दी और हमने उसको गेम प्लान करके उसको भरताल गार्डन के सामने से लड़के को उठाया। उसका नाम मयंक साहू है, ये लड़का नरसिंहपुर गार्डनवाड़ा का रहने वाला है और यहाँ पे भी किराए के रूम में रहता है, पढ़ाई करता है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।